सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी के काम, किसी काम को होने की कितनी परसेंट उसकी गुंजाइश है ना, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें। तो जो यूवी है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, तो वो कौन सी ट्रांजिशन होती है या कौन सी किसी के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसके उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर है जिसको हम कहेंगे एप्सिलॉन मैक्स। कोई भी ट्रांजिशन हो रही है अगर उसकी एप्सिलॉन की मैक्स की वैल्यू इस रेंज में है तो हम बोलेंगे कि ये कौन सी ट्रांजिशन है अलाउड, और अगर उसकी रेंज 10 to 1000 है तो वो कौन सी ट्रांजिशन है, वो फॉरबिडन ट्रांजिशन है। अब ये पहले ख़त्म कर ले, फिर मैं 2 मिनट एप्सिलॉन मैक्स और लैम्डा मैक्स को डिस्कस करूँगी। फॉर एग्जाम्पल 1,3-butadiene, 1,3-butadiene की स्ट्रक्चर आपको आती होगी, उसमें 2 double bonds होते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम है। कौन सी ट्रांजिशन होती है, पाई टू पाई स्टार। दिस ट्रांजिशन जो होती है दैट ओबेज बोथ द रूल्स जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, दिस इज अलाउड, और इसके एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, 20,000। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम ले लें सैचुरेटेड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, या लेट से हमने ये एसिड एल्डिहाइड ले लिया, अब इसमें N टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है। N टू पाई स्टार का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन इट गेट एक्साइटेड टू पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। अब देखो आप इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कंपेयर करो, ये किस रेंज में है, 280 to 290, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, दिस इज वेरी लेस। तो वो ट्रांजिशन, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सिमेट्री की। तो जो फॉरबिडन ट्रांजिशन होती हैं उनके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम, और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू भी क्या है उनकी, कम। अब यहाँ पे मैं इसी टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू कर रही हूँ। अब आप एक चीज़ ध्यान से कंपेयर करो, ये अलाउड ट्रांजिशन है नो डाउट, इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू देखो कितनी है, 217, इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है। अगर हम थोड़ा सा लॉजिक और लगाने की कोशिश करें तो हमें लगता है कि देखो यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा, तो एनर्जी क्या लगेगी, कम। यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, कम, एनर्जी क्या है, ज़्यादा। हो सकता है हमारे माइंड में आए कि जहाँ पे एनर्जी कम लगती है तो वो उसके होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जानी चाहिए, यानी कि अगर हम देखें एनर्जी वाइज तो वहाँ पे क्या है, इसके एप्सिलॉन की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी। बट क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है ये कहाँ पे हो रही है, इट अक्कर्स बिटवीन टू ऑर्बिटल जिनकी सिमिट्री अलग है। सिमिट्री अलग होने से क्या होता है कि उस ट्रांजिशन के होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। प्रोबेबिलिटी कम होने का मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू दैट इज लेस देन 100। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोगों ने, वी हैव डन 3 topics, वी हैव डन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसको अच्छे से समझ लेना आज, चाहे आप लोग वीडियोस ही देख लेना, ठीक है, चाहे आप मुझे कल शाम तक भेज देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके आगे जितनी भी स्टोरी चलनी है, अगर आपको ये 2-3 topics क्लियर हैं तो आगे समझ आएगा। सो टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, सिलेक्शन रूल एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, इनको अच्छे से समझ लेना। थैंक यू।